यह वास्तविक लोगों से बनी मोम की मूर्ति है। डाल्टन को पता चलता है कि उसका दोस्त अभी भी जीवित है, इसलिए उसे बचाता है। अप्रत्याशित रूप से इसे छूने मात्र से एक घाव हो गया। मोम की मूर्ति दर्द से आंसू बहा रही है, लेकिन डाल्टन ने चेहरे पर एक बड़ा घाव बना दिया। इस समय विंसेंट प्रकट हुए। वे भी मोम की मूर्ति बनाने के लिए डाल्टन को पकड़ना चाहते थे। उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया। इससे पहले कि वह उठ पाता, उसकी हत्या कर दी गई। तो काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति अभी भी हिल रहा था। बट में एक गोली। डाल्टन जाग रहा था, लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ था। घाव को सिलने के बाद वहाँ पूरी झिल्ली बन गई। उन्होंने अपनी भौंहों और दाढ़ी पर गोंद लगाया। इसके चिपकने का इंतजार करें और फिर इसे फाड़ दें। चेहरे पर बाल साफ हैं। फिर शरीर को ठीक करें। अभिव्यक्ति को भी सही जगह खींचना पड़ता है। डाल्टन अच्छी तरह जानता था कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन वह कुछ और नहीं कर सका। आखिरकार मशीन चालू की गई। गर्म मोम का तेल शरीर पर पड़ने लगा। यह एक संग्रहालय है जो जीवित लोगों को मोम की मूर्तियां बनाने के लिए ले जाता है। एक दिन युवा मित्रों का एक समूह पास में ही पिकनिक पर गया। चकाचौंध कार की रोशनियां उन पर चमक उठी। उकसावे का सामना करते हुए हर कोई स्तब्ध रह गया, लेकिन निक डरे नहीं। उन्होंने शराब की बोतल पकड़ ली और कार की लाइटें तोड़ दी। बेशक हर कोई हैरान था। जल्द ही कार चली गई। अगली सुबह देर की कार स्टार्ट नहीं हुई। बोनट खुलने का इंतजार किया तो पता चला कि तार कटा हुआ है। जब वे कठिन समय बिता रहे थे, एक कूड़ा उठाने वाला आया। उन्हें बताएं कि पास में एक शहर है जहां आप ऑटो पार्ट्स खरीद सकते हैं। संयोगवश वेट और कार्ली को लगता है कि एक दूसरे अच्छे इंसान नहीं है। इस लुक ने लोगों को दहशत में डाल दिया। जब वे एक नाले पर पहुंचे तो दोनों को कार से उतरने का बहाना मिल गया। हालांकि उन्होंने पाया कि पूरी सड़क लोगों से खाली थी। दुकान भी बंद है। वे इसके बारे में नहीं सोचते, बस बॉस को ढूंढना है। उन्हें पता चला कि चर्च में कोई अंतिम संस्कार कर रहा है। तो आगे बढ़ो और पूछो। जो बाहर आ रहा था वह गैस स्टेशन का मालिक वो था जिसने उन्हें एक क्षण रुकने के लिए कहा। तभी से दोनों फंस गए हैं। जब वे बो के घर पहुंचे तो वे वहां की कई अजीब प्रदर्शनियों से आकर्षित हुए। भ्रूण के प्रकार, मुखौटे असंख्य हैं। सर्जरी के लिए एक ऑपरेटिंग टेबल भी है। कमरे में अचानक बिजली गुल हो गई, इसलिए वे दबे पांव दरवाजे तक आया और बाहर चला गया, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सके। इसी समय कैंची की एक जोड़ी उसके पैरों की कंडराओं को काटती हुई दिखाई दी। वह डरा हुआ था। उसने दीवार के कोने में खड़े होकर औजार पकड़ा और लहराया, लेकिन दुश्मन इस जगह से परिचित है। वेट बेहोश हो गया। कुछ क्षण बाद वो घर से बाहर आई, लेकिन कार्ली ने अभी अभी आवाज सुनी। वेट अभी भी बाहर नहीं आया है। वह सतर्क है, वो भी उसे बरगलाने का इरादा रखता है। लेकिन कार्ली तुरंत कार में चढ़ गई और उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया। वो ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। हत्यारा पागल उसे पकड़ना चाहता है। उसने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया और कुर्सी को जाने नहीं दिया और कार स्टार्ट करने का अवसर लें। वो अभी भी कार की खिड़की से चिपकी हुई थी और जाने नहीं दे रही थी, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया। कार्ली को भागने को देख ऑस्ट्रेलिया का एक पहिया खाई में गिर गया। कार ने अपनी गति खो दी और कार्ली ने गैस पर पैर रख दिया, लेकिन पहिया फिर भी नहीं चलता। वो ने पकड़ लिया। कार्ली झट से पिछले दरवाजे से भाग गई, फिर मदद मांगने के लिए चर्च की ओर दौड़े। उसने पाया कि प्रत्येक व्यक्ति एक मोम का पुतला था। उसने अपनी टूटी बांह को छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सभी मोम की मूर्तियां असली लोग थीं। वो ने पकड़ लिया। हालांकि कार्ली बहुत अच्छे से छिप गई। वह इस जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं। वह खोजी गई। वह वो जितनी तेज भी नहीं दौड़ सकती थी, लड़खड़ाते हुए आगे की ओर। फिर उसे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया, लेकिन वह अभी स्थिर हो गई थी। निकी आवाज गूंजी। पता चला कि इतने समय तक उसे देखने के बाद भी वह वापस नहीं आई थी। वह आदमी जिसे वह तलाश रहा था। वो ने उसे चिल्लाने से रोकने के लिए चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया, फिर उसके मुंह पर दोबारा 502 गोंद लगा दिया। वो की चाले क्रूर हैं। फिर उसने निक से निपटा। निक ने कुछ शब्द कहे और फिर चला गया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सुना हो। पता चला कि कार्ली बेसमेंट में शोर मचाते हुए संघर्ष कर रही थी। जब उसने ऑपरेटिंग टेबल पर आमरस तोड़ दिया तो उसने मदद मांगने के लिए नाली के छेद में अपनी उंगली डाल दी। निक ने इसे नहीं देखा, जिसे सबसे पहले वो ने देखा था। उसने उसके जूतों के फीते बांधने का नाटक किया, उसकी उंगलियां काट दी। तुरंत खून बह निकला।
कार्ली चाहे कुछ भी हो अपने मुंह पर लगे गोंद को तोड़ने की कोशिश करती है। कार्ली ने अपने मुंह की त्वचा फाड़ दी। आखिरकार अपना मुंह खोला। निक ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले बो को हराओ, फिर दुकान में भागो। बो को बाहर ही रोक दिया गया। वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कार्ली को बचाने के लिए निक ने जल्दी से कॉल का पालन किया। फिर उसने एक फोन किया, लेकिन वे कॉल नहीं कर सकते। अचानक बो ने पीछा किया। पता चला कि बंदूक उसे पहले मिलने वाली थी। निक धनुष बाण अपने पास ले गया और सिनेमाघर में छिप गया। यहाँ भी हर कोई मोम का पुतला है। तो दोनों को एक विचार आया। जब वो उस स्थान पर गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका मोम का काम बहुत अच्छी तरह से किया गया था। यह पहचानना बहुत मुश्किल है कि असली व्यक्ति कौन है। उसने एक एक करके उन्हें खोजा। लेकिन वह फिर भी कार्ली को पहचान गया। बो को मारने के बाद वे भाग गए। बो भी उसके पीछे पीछे चला। अचानक जाल में फंस गया। अगला तीर अब नहीं चलता, इसलिए दोनों को विंसेंट के अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। वे लोगों को बचाने के लिए बो के घर जाते हैं। जब कार्ली ने दोनों भाइयों की तस्वीर देखी तो वह दंग रह गई। और अब बो भी लौट आई है। उससे निपटना मुश्किल नहीं है। अप्रत्याशित रूप से विंसेंट भी ब्लैक और पेज के शव लेकर वापस आ गया। पता चला कि उसने उनके आखिरी दो दोस्तों को मार डाला। बो को एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है, तो उसने खोज की और वे कहीं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए तहखाने में चले गए। उन्होंने देखा कि डाल्टन यही मजबूती से जमे हुए थे। सभी लोग मोम के तेल से सने हुए थे। बस इसके सूखने का इंतजार है, इसलिए वे लोगों को बचाते हैं। निक ने सिर्फ डाल्टन के सिर को छुआ था, जिससे उसका सिर टूट गया था। इसी समय विंसेंट यहाँ आए हैं, तो वे लड़ते हैं। हालांकि विंसेंट की लड़ने की शक्ति काफी मजबूत है, वह दो लोगों से नहीं लड़ सकता। निक ने मोम का तेल डाला, जिससे वह आग के समुद्र में फंस गया। वह ऊपर की ओर भागा, तभी दोबारा बो से उसका सामना हुआ। हालांकि बो भी काफी ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मुश्किल है। बहुत तेजी से डंडे से गिरा दिया, लेकिन कार्ली नहीं रुकी, बार बार उसके सिर पर वार करती रही। जब उसका सिर टूट गया तो विंसेंट अंततः भाग गया। उसने तुरंत एक मजबूत युद्ध शक्ति प्रकट की। निक की सुरक्षा के लिए वह उसे फुसलाकर ऊपर ले जाती है। मोम अभी भी जल रहा है। इस समय तक पूरे कमरे में आग लग चुकी थी। कार्ली को विंसेंट को बाहर रोकना था, परंतु उसने मोम के बने दरवाजे में छेद कर दिया। फिर एक छेद करें और अंदर घुस जाएं। कार्ली के पास जाने के लिए और कहीं नहीं है। यह जानते हुए कि वह मानसिक रूप से बीमार है, वह उसे धोखा देने का इरादा रखती है। लेकिन विंसेंट मूर्ख नहीं था। यह देखकर कि उस पर हमला होने वाला है, वह दरवाजे की ओर भाग गया। इस समय तक निक भी ऊपर थे और तुरंत विंसेंट से लड़ रहे थे। विंसेंट का मुखौटा हटा दिया गया, जिससे उसका बदसूरत चेहरा सामने आ गया। इसलिए ऐसा है, पता चला कि यह सब खामियों के कारण है। कार्ली ने दौड़कर निक के पैर से चाकू निकाला और विंसेंट के पेट में घोंप दिया। निक ने अपना पैर बाहर निकाल दिया। विंसेंट एक मंजिल गिर गया, लेकिन पूरा घर पिघल गया। दोनों निक्स भी डूबने वाले थे। कार्ली ने नरम दीवार की खोज की। देखो, मोम से बना है, तो उन्होंने काट दिया। अंतिम क्षण में दोनों मुक्त हो गए और बो और विंसेंट मोम के तेल में डूबे हुए थे। अगले दिन जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि बो के परिवार में तीन भाई थे। अब कार्ली ने उस आदमी को देखा जो उन्हें शहर तक ले गया था। अजीब भाव से उनका स्वागत करें, ऐसा लगता है जैसे वह बो का छोटा भाई होगा। रुको और देखो कि क्या उन्हें बदला मिलता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।